अरविंद सावंत जी, आदरणीय चेयरमैन सर, माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारामन जी ने जब अपना संकल्प यहाँ रखा बजट, तो पहले 2 घंटे 30 मिनट एक बूंद का भी पानी नहीं पिया, एक बूंद पानी भी नहीं पिया। तो मैं आपको सही में आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूँ कि इतना आपने जिस ढंग से सादर किया, प्यास भी नहीं लिए हुई आपको, प्यास लगी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन लोग प्यासे थे, लोग बहुत प्यासे थे, लोग चाह रहे थे कुछ ना कुछ मिलेगा, अपेक्षा चाह रहे थे। आज ही सुबह प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई सुझाव देता है, कोई आलोचना करता है, तो उसकी तरफ आलोचना न देखकर एक अच्छी तरह से हमें एक्सेप्ट करना है। और आपने कहा था आई अपीयर टू बी कॉन्जर्वेटिव बट आई वॉन्ट टू बी ए रियलिस्टिक, सो टूडे आई ऑल्सो वुड लाइक टू गो फॉर अ रियलिस्टिक व्यूज ऑफ दी बजट विच आई फील। उसमें सबसे बड़ा पहला वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा, द बजट इज टू बूस्ट द इनकम एंड एनहांस देयर परचेसिंग पावर। दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दैट एंटायर बजट। और जब मैं आगे चलकर देखता हूँ, आप पानी नहीं पी रही थी, 2 घंटा बात करने के बाद में जैसे आपका भाषण समाप्त हुआ, तो सबसे बुरा स्वागत अगर कहा हुआ तो सेंसेक्स में हुआ। मार्केट गिरा, मार्केट इस तरह से बुरी गिरा, दोनों भी, निफ्टी भी गिरा, सेंसेक्स भी गिरा। तो मैंने बोला, मैं लोगों को पूछता रहा क्या लगा आपको बजट से, तो लोग कंफ्यूज थे, कोई अच्छी तरह बोल रहे थे, कोई नहीं बताई। तो आखिर में मुझे एक बीजेपी का ही प्यारा, जो बीजेपी पर प्यार करता है, उसने मुझे बोला, पता है अरविंद जी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो बस कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। अब वो ये उसका परसेप्शन है कि हमें कांटों का हार मिला, मतलब क्या हुआ, क्या गलत है उसमें, वो तो बता, क्या तकलीफ है बता। तो उसने बताया कि भाई उसका मूल कारण यह है कि हमारी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि रिसेशन है या स्लो डाउन है। अगर वो मान लेंगे तो इलाज करना आसान हो जाएगा। जब तक आप वो मानते नहीं हो कि देर इज अ रिसेशन और देर मंदी है या स्लो डाउन है, तब इलाज जाके परफेक्ट करोगे। हम समझते हैं हम सब जो 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 चीज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और हम इसलिए हम इलाज सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं और उस दिशा में जा नहीं रहे हैं। इसलिए मैं शुरू में मैंने कहा था तो बूस्ट द इनकम, उद्देश्य ठीक है, लेकिन मार्ग जो हमने अपनाया है वो हमें गति नहीं दे रहा है। वो गति पाने की आवश्यकता है, वो गति क्यों नहीं मिल रही है, व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाई पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो उसमें ऐसे कि नहीं, तो आपके भाषण में द इफेक्टिव टैक्स इंश्योरेंस एंड ऑलमोस्ट एवरी कमोडिटी केम डाउन सब्सटेंशियली विच विल बेनिफिट कंज्यूमर, ये आपके बूस्ट ऑफ इनकम के रिलेटेड वाक्य है कि इससे आपका कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा और इसका इनकम बढ़ने से मार्केट में परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपने, मैं खुद मंत्री भी था, मैं आपके पास भी आता, आज हमारी इंडस्ट्री की बात हो रही थी, मैं आगे भी बोलूँगा लेकिन एक इमीडिएट याद है तो उदाहरण देता हूँ। मेटल इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा था, हमारे मुंबई शहर में कॉपर इंडस्ट्री में मेटल इंडस्ट्री है, और उस मेटल इंडस्ट्री को हो सकती है 2 राष्ट्र की ट्रीटी होगी, तो फिनिश प्रोडक्ट जो बाहर से आता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती नहीं, और रॉ मटेरियल जो आता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। 5% कस्टम ड्यूटी लगने पे इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ने से इनका माल कोई उठाता नहीं या तो महंगा हो जाता है। इससे क्या होता है, तो इससे उसका इनकम तो बूस्ट होता ही नहीं है, लेकिन जो बेसिक पर्पस है हमारा कि जो मेक इन इंडिया, उसका पर्पस वही डिफीट हो जाता है। मैं आपसे शुरू में ही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो उद्दिष्ट है मेक इन इंडिया, बूस्ट द इनकम, एनहांस द परचेसिंग पावर, इट गेट्स डिफिटेड देयर इटसेल्फ।
और हमारी जो खुद की भारतीय कंपनियां, आपने बहुत सारी नीतियां उसी तरह अपनाई है. यू वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट, आई नो इट, बट आई नो इट, बट सम इंडस्ट्री माइट हैव आपकी नज़र से थोड़ी हट गई होगी. वो मेटल इंडस्ट्री के बारे में आपके पास मैं मांग कर रहा हूँ, क्यों अगर वो आप करेगी तो उनका रोजगार, आज उन्होंने ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द मेटल इंडस्ट्रीज कंपनीज आर गेटिंग क्लोजिंग डाउन नाउ. अगर वो क्लोज डाउन करते तो हम एम्प्लॉयमेंट की जो जनरेशन करने की बात करते वो भी पर्पज वहाँ डिफीट हो रहे हैं. मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपको उसमें खुद को ध्यान देकर इस विषय का निराकरण करना होगा. तब उसके बाद में ही आप अगर कुछ सुझाव वो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी, कंपनी खड़ी रहेगी, रोजगार भी रहेगा. अब जीएसटी पे अभी इन्होंने भी बहुत बोला. आप जानते हो कि जीएसटी के बारे में हमारे महाराष्ट्र की सरकार की जो राशि केंद्र के सरकार की तरफ से आनी थी वो आई नहीं है. कम आई, जब नए मुख्यमंत्री जी आए आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने आपको पत्र लिखा तो पिछले 15,500 करोड़ अक्टूबर नवंबर का उसमें से कुछ 4,000 करोड़ राशि दे दी है. और इतनी कम राशि में सरकार वहाँ भी चलानी है, क्योंकि आपने वहाँ का जो बजट था जिसकी स्रोत सेल टैक्स था वो बंद हुआ, ऑक्ट्राय बंद हुआ, महापालिका भी बर्डन आ रहा है. तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जीएसटी के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है. क्या हुआ, जीएसटी की क्लिष्टता आज भी परेशान कर रही है. किसी ने मर्डर बिल्डर क्या ऐसा वर्ड वही नहीं यूज करूंगा, लेकिन जीएसटी की क्लिष्टता है, वो क्लिष्टता को थोड़ा आसान करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को, आज भी आप चाहेंगे तो होता नहीं है. कुछ अच्छे काम जैसे आपने किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्वागत आ रहे. हम अच्छे को अच्छा कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सुधारना है उसको सुधारने के लिए कहेंगे. जहाँ आपने खास करके स्वच्छता अभियान, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, सोलर पावर, लेकिन पेंशन स्कीम, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर वल्नरेबल सेक्शन, क्रेडिट सपोर्ट, डिजिटल पेनिट्रेशन विद ब्रॉडबैंड, अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आप देखिए पेंशन स्कीम, अगर आप 1995 की पेंशन स्कीम पकड़ेंगे तो क्या हुआ, आज उसके लाभार्थी 65 लाख लोग हैं. आप मुझे खुद के दिल पे हाथ रख के कहो, वहाँ जो बियॉन्ड द स्क्रीन है उनको भी पूछता हूँ, 2,500 में अपना परिवार चलेगा क्या, 3,500 में आपका परिवार चलेगा क्या, तो उसकी वृद्धि कैसी हो सकती है. आज करीबन करोड़ों लोग 95 पेंशन के तहत रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी रजिस्ट्री आपके पास है. जो राशि आपके पास आती है उसका अगर आप ब्याज भी पकड़े, जो राशि सरकार के पास जमा है 1995 पेंशन स्कीम के तहत, अगर उसकी वो राशि पकड़े तो उसकी अगर इन्वेस्टमेंट की तो उसके ब्याज से भी आप इस पेंशन धारकों को, मैडम वित्त मंत्री जी, 7,000 तक पेंशन दे पाएंगे. 5,000 से 7,000 तक पेंशन देंगे, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे. इतने सारे बुजुर्ग लोग हैं, आजकल लॉन्जिटिविटी बढ़ी है आयुष्मान की, हाथ अपना बच्चों के पास फैलाने से अच्छा है कि खुद के पैर पे खड़े रहे. हालांकि बाकी योजनाएं उनको मिल सकती है, आयुष्मान हो, बाकी तकलीफें हो, तो वहाँ सरकार कुछ कर रही, लेकिन ये अगर उनके हाथ में पेंशन आती है तो बहुत बड़ी राहत मिलेगी. अब आपने डिजिटल पेनिट्रेशन का बात किया, आपको ये पता है सभी को, भारत संचार निगम इस देश के कोने कोने में पहुंची हुई है. महानगर टेलीफोन निगम दिल्ली और मुंबई के शहरों के कोने कोने तक पहुंची हुई है. आप ये किसको काम दे रहे, क्यों प्राइवेट, हर जगह प्राइवेट क्यों. अगर आपने आज भी जो उसको रिवाइवल के लिए वीआरएस लाई, मैडम आपको पता है वीआरएस लाने के बाद करीबन 1,00,000 लोग जो हमारे कर्मचारी थे, 1,00,000 कर्मचारियों ने दोनों कंपनी से वीआरएस ले ली. 1 तारीख को ऑफिस में कर्मचारी नहीं थे. अब ग्राहक गया, नई लाइन देनी है, कुछ बिल पे करना है, कोई नहीं है बीएसएनएल के ऑफिस में. 80,000 लोग गए हैं, हम क्या कर रहे हैं, ना हमारी मैनेजमेंट प्रिपेयर थी ना सरकार प्रिपेयर थी. चाहती थी कि लोग जाएं, अब लोग जाने के बाद चलाए कैसे. एक तरफ हम कहते हैं हम रिवाइवल करने वाले हैं, अब रिवाइवल करने वाले हो तो भाई आपकी तैयारी होनी चाहिए थी कि 1 तारीख से यहाँ इतने इतने कर्मचारी हो गए जो आगे चलकर चलाएंगे, लेकिन वो तैयारी नहीं थी कि मुझे. और इसीलिए
ये जो पेनिट्रेशन करना आप चाहती हो, खास करके ऑप्टिकल फाइबर की या FTTH की, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ ये काम इनको दीजिए, ताकि आप जो दूसरी तरफ उसका रिवाइवल का प्लान है उसको ये ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगा। कर्मचारी जो कुछ बचे हुए हैं कुछ टेम्पररी लेके करेंगे, वो काम अच्छी तरह से हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा रेडी है, उनको पता है कहाँ देना है किस तरह से देना है। और आप जो प्लान करना चाहते हो सक्सेसफुल होगा, क्योंकि गांव के ग्राम पंचायत में भी आपको FTTH देना है तो वहाँ ऑलरेडी पहले केबल है तो उनको पता है कैसे देना है, तो ये काम अच्छी तरह से हो सके। डाटा सेंटर भी अगर आप ले लेगी तो दोनों BSNL MTNL के पास, MTNL के पास मुंबई में अच्छा तरह डाटा सेंटर है, अगर वो डाटा सेंटर आप ले लेगी तो अच्छा होगा। अगला महत्वपूर्ण विषय है प्रधानमंत्री आवास योजना। मुझे समझ में नहीं आता है, 1.5 लाख में घर नहीं बनता, मैं समझता हूँ आप असिस्ट कर रही, थोड़ा अनुदान दे रही। अब पिछले बार शहर के लिए कुछ नहीं था, इस बार आपने 10,000 करोड़ शहर के लिए रखा, 10,000 करोड़ ग्रामीण के लिए रखा। अब कोई भी घर अगर देख लेंगे तो 10,000 करोड़ में 1.5 लाख से अगर उसका आप देखोगे तो कितना, 6-6.5 लाख घर बनने वाले, तो 6-6.5 लाख घर जो बनेंगे उनका खर्चा कितना है और बाकी पैसा किस तरह से उससे मिलेगा, ये कॉमन मैन जो है गरीब आदमी है उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो अगर आ गया गांव में ठीक है, पहले क्या था, मुंबई दिल्ली कलकत्ता चेन्नई ये 4 बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज थे, उसमें चेन्नई और दिल्ली उनके पास 2-3 मंजिल बिल्डिंगें कम थी, लेकिन मुंबई और कलकत्ता में थी। अब मुंबई में 100 साल पुरानी इमारतें अब गिर रही हैं, हम पक्के घरों का वादा एक तरफ करते दूसरी तरफ ये बिल्डिंग ये गिर रही है, कुछ तो करना होगा। उसमें खास करके आपके पास का विषय बता देता हूँ, हमारे मुंबई में केंद्र सरकार की जमीन पर रेल हो, डिफेंस हो, BPT हो, NTC हो, एयरपोर्ट हो, इनकी जमीन पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, कुछ उनकी बिल्डिंग ये भी है। अब उन बिल्डिंगों के लिए LIC आपकी, मैंने विषय लाया था आपके पास, डिफॉल्ट करके आपके पास बिल्डिंग आई हुई है, आपने नहीं बनाई है, अब वो भी 100 साल पुरानी हुई, आप उनको परमिशन डेवलपमेंट के लिए नहीं दे रही है, ना आप खुद कर रही है। तो पक्के घरों का वादा जो प्रधानमंत्री जी जिनका सपना है, कल को LIC की बिल्डिंग ढह गई तो क्या करोगे आप? तो मैं ये चाहता हूँ कि LIC की जो बिल्डिंग मुंबई शहर में बदामवाड़ी आंगरेवाड़ी करके हमारे गिरगांव एरिया में है वो बिल्डिंग है, उनको रीडेवलप करने के लिए अनुमति दी जाए। आज क्या हो रहा है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट वो तो ऐसी पीछे पड़ी है कि छल कर रही है वहाँ के लोगों का, NTC क्या कर रही है चुप्पी लगा कर बैठी है, LIC आंगरेवाड़ी वाली की बात मैंने की, और रेल में कल परसों में रेल की जगह पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनको तोड़ दिया गया, 25-25 बरस पूरी पुरानी झोपड़ियाँ कैसे तोड़ सकते आप लोग, कौन है अधिकारी? एक तरफ हमारे हरदीप सिंह जी पूरी कहते हैं कि किसी का बकाल तोड़ना नहीं, हर एक को पक्का कर देना है, और दूसरी तरफ रेल वाले जाकर उस जगह पर जो झुग्गी झोपड़ियाँ 25 साल से है उसको जाकर तोड़ देते। ये प्रधानमंत्री के सपनों को आप लोग साकार कर रहे हो या उसको ध्वस्त कर रहे हो, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैडम प्रधानमंत्री जी की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, दोनों का स्वागत है। क्या हुआ, फसल बीमा योजना का पैसा, मैडम एक महत्वपूर्ण मुद्दा बोलता हूँ, फसल बीमा का पैसा आज भी किसानों को मिला नहीं। आपको पता है मैडम हम प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, LIC को भी प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। मैडम महाराष्ट्र में 10 जिले में एक सेकेंड के लिए इतना ही वाक्य सुन लो मैडम, 10 जिले में सावन जी, मैडम महाराष्ट्र के 10 जिले में एक भी बीमा कंपनी किसानों को फसल बीमा योजना के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद जी, वी आर नियरिंग 6 o'clock, I'll continue, if the remaining is there, they'll speak. नहीं तो आधा हो जाएगा, वो एक भी कंपनी आ नहीं रही है। अब सरकारी कंपनी थी उसको आप डिसमिस करने जा रहे, और जो प्राइवेट कंपनी वहाँ नहीं आ रही, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कमाना उनका कर्म है और सेवा देना सरकारी कंपनियों का धर्म है। आप क्या चाहती है, कमाने वालों को मुनाफा चाहने वालों को देना चाहती हो कि सेवा देने वाली धर्म करने वाली LIC को देना चाहते हो?
वो आप तय करो। लोगों को सेवा नहीं मिल रही है, एक भी जिले में फसल बीमा योजना नहीं आ रही है, क्यों कंपनी नहीं आ रही है, और ये डिसइन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं आप, हाँ थैंक यू। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निजीकरण, उदारीकरण और जागतिकीकरण का कृपया अंधा अनुकरण न करें। ये अंधा अनुकरण हो रहा है, हम पाश्चिमात्य राष्ट्रों को लेकर सारी चीजें अनु ले रहे हैं, उनके पास आबादी नहीं है। इस देश के पास सबसे बड़ी समस्या आबादी है। आप कहो कि चाइना की बात, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, उसने कह दिया कल को एक बच्चा, मतलब एक बच्चा, ये नहीं होगा यहाँ। तो फिर ये जो लोग जिनकी नौकरियां जाएगी, हम रोजगार देंगे कि रोजगार छीन रहे, इसको भी आपको चौंकना पड़ेगा। क्योंकि ये उदारीकरण के चक्कर में हम तो ये तो नहीं भूल रहे ना कि भाई उनकी जो रोजगार थे वो भी छीन रहे, तो रह रहे ना हम लोग। इसलिए ये चीज़ें मैं आपकी नज़र में ला रहा हूँ। आप देखिए पिछले कितने सालों में अनएम्प्लॉयड की बात आई, कितनी कंपनियां बंद पड़ी और कितने रोजगार निर्माण हुए, कितनी कंपनियां नहीं आई। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि सही में हम रोजगार दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। आपको पता है एयर इंडिया में 20-20 साल हम लोग एयरपोर्ट पे आते हैं, इतना बुरा लगता है, उसी एक तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। हम कहने के लिए कह सकती है सरकार इतने लोगों को रोजगार दिया, अरे हमारी उनकी तनख्वाह बढ़ती है, फिफ्थ पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन, सिक्स्थ पे कमीशन, पेंशन है उनको, क्या है बेचारों को, 10-10 हजार रुपए 10-10 साल एक ही तनख्वाह पे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। कभी तो सोचो इस बात का, ये सोचेगी कि नहीं सोचेगी। हम सर 2-3 मिनट में खत्म करता हूँ, क्या हो गया घड़ी नहीं चल रही, देखो वो भी मेरे ऊपर, आज 25 मिनट है ना हमारी, 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा, 2-3 मिनट एक ही आदमी हमारे बोलेंगे। हाँ आज सारे जो रिसेशन से माननीय सदस्य अरविंद सावंत की, मुझे सच बताओ, इसलिए निर्मला जी जो अच्छा काम किया ना वो बताने के लिए वक्त नहीं है, नहीं तो वो भी बोलूंगा जो अच्छा अच्छा हुआ है, लेकिन अच्छा क्या हुआ इससे ये बताना पड़ता है। और इसलिए मैं किसानों को एश्योर्ड इनकम नहीं है, हमें एश्योर्ड इनकम है, हमें तनख्वाह मिलती है, बारिश आने दो, बाढ़ आने दो, तनख्वाह मिल रही है। किसानों को क्या हो रहा है, भावांतर योजना लाने की आवश्यकता है, MSP की आप प्राइस बात करते हैं, MSP है, और अगर बाहर मार्केट डाउन हुआ, आज जैसे ओनियन की कल बात की थी, तो सेम थिंग इज अगेन हैपनिंग, इट इज़ 2 रुपीज नाउ, इट वॉज 50 रुपीज, 200 रुपीज, इट गॉन टू 2 रुपीज टुडे, द फार्मर्स आर गोइंग टू गेट, वी विल गिव दैट, द MSP शुड बी डिसाइडेड इन दैट, उसमें जो लॉस होगा वो अगर भावांतर योजना आई तो किसान उस पर खड़ा रह सकता है। आखिर में 2-3 चीज़ें, आपने एक मुद्दा रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है, मेरी आपसे प्रार्थना है, पूरे देश में हमारे यहाँ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या स्टेट के कमीशन हैं, पूरे देश में रिक्रूटमेंट होती है। हाल ही में कुछ मंत्रियों ने अच्छी बात की, अपने अपने राज्य की बात की, मेरी आपसे प्रार्थना है ये रिक्रूटमेंट आप रीजनल करिए। आज देश में टुकड़े टुकड़े गैंग की बात छोड़ो, इसमें भी लोगों की भावनाएं बहुत भड़क रही है। सन्स ऑफ सॉइल शुड बी गिवन प्रेफरेंस, एंड द सन्स ऑफ सॉइल कैन बी गिवन प्रेफरेंस इफ इट इज रीजनल रिक्रूटमेंट, इफ यू डोंट डू इट, इट विल बी ऑलवेज एन इनजस्टिस टू देम, और उसकी रिएक्शन आती रहेंगी। नहीं नहीं विरोध, टुकड़े का विरोध है, देश के टुकड़े कर रहे थे, गर्दन तार चढ़ देगी, क्या बात करते हो। आपने रेल का भी एक दो चीजें, ये मैं जानबूझकर, इसके लिए मेरी प्रार्थना है शॉर्ट में, अभी ये 2 मिनट में, ये जो रिक्रूटमेंट है वो रीजनल लेवल पे अगर होगी तो वहां वहां के राज्य के लोगों को प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। तमिलनाडु में आजकल जो मेडिकल एडमिशन के ऊपर जो विरोध हो रहा है ना, उसका रीजन वही है, देयर ओन पीपल डू नॉट गेट एडमिशन ओवर देयर, एंड दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, द रिक्रूटमेंट आल्सो शुड बी एट द लोकल लेवल, रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर शुड बी ओपन सो दैट द जस्टिस कैन बी गिवन टू द पीपल सन्स ऑफ द सॉइल। रेल का आप निजीकरण करने जा रहे हो, मुझे मालूम है क्या क्या निजीकरण करना चाहते हो, मैंने अभी बोला अंधानुकरण करें, तेजस आई अच्छी आई, मेरा एक सवाल उसमें मेरे मन में आया, दुर्भाग्य ऐसा नहीं होना चाहिए, गलती से समझो कल को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर तेजस के जो प्रवासी हैं उनको कौन इंश्योर का पैसा देगा या उनका कौन देगा रिलीफ दे देगा। रेल में यहाँ गया तो रेल के ले लेते, उसकी जिम्मेवारी कौन लेने वाले है? इस बात पर ये बोल नहीं सकते सर, ये मंत्री रहे हैं उस विभाग के और इन्होंने रेल का मंत्री रहता है, इसलिए बोल नहीं सकते इस बारे में, इस बारे में जरूर बोल सकते। तो रेल की
सर एक ही चीज, जैसे व्हीकल एक्ट में, मोटर व्हीकल एक्ट में हमने अमेंडमेंट किया, यही गलती हो रही सर। हमने क्या किया, लोगों को लगा भाई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कौन देगा, उसका पैसा कौन देगा, तो जो गाड़ी है उसका मालिक दे देगा, अब इंश्योरेंस कंपनी देगी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के लिए चल रहा है, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला एक्सीडेंट हो गया, अगर मरा हुआ आदमी बहुत बड़ा रईस था, कहां से पैसा देगा, मरेगा वो तो जेल में ही जाएगा, और ये उधर इंश्योरेंस कंपनी सेफ है। ये प्राइवेट इंश्योरेंस वालों का धंधा जो है वो आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा शुभ प्रार्थना करता हूँ, और आखिर में इतना ही कहता हूँ, एजुकेशन पॉलिसी में भी आपने जो कदम उठाए उसकी सराहना करता हूँ, लेकिन खास करके प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। वहाँ अगर यूनिफॉर्मिटी एटलीस्ट 2-3 सब्जेक्ट में आ गई तो स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री विल रिमेन सेम, अदरवाइज पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन गोज ऑन देयर। इसलिए मैं आपसे आखिर में इतना ही कहूँगा कि जो आपने ये रखा है बजट, उसका पहले शुरू में कहना, आपने बुके लाया तो बुके में फूल थे, 3 फूल रखे थे आपने, लेकिन महक नहीं आ रही है, न रही बास न बजी बांसुरी, ऐसे हो रहा है, उससे बाहर आओगी तो मुझे आपका अभिनंदन करने का मौका मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद सब।